नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित राय शो में। और आज हम हरियाणा के एक फेमस आर्टिस्ट से आपको मिलवा रहे हैं, जो कि आर्टिस्ट ही नहीं है, साथ में सिंगर है, और दोनों खूबसूरती उनके साथ साथ से साथ चली आ रही हैं। और काफ़ी सारे गाने उन्होंने गाए हैं और इतने खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, मिलनसार है। जब भी हम उनके साथ में सेट पे मिलते हैं तो बिल्कुल अपनापन लगता है। तो आज हम स्वागत करते हैं विनय सुमानिया जी का। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताइए आप कैसे? बड़े फेमस हैं आप आजकल हरियाणा में, आपके गाने लगातार हिट पे हिट जा रहे हैं, ऑडियंस का प्यार और आपका आशीर्वाद। तो अभी जो आपके गाना हिट हुआ है, तो उसका किस तरह आपने बनाने का मेकिंग का सोचा कि हमारी सिंगिंग हो इस तरह का गाना आपका मार्केट में एकदम आए? सर ऐसा था कि मेरे को तो ये जो लाइन है, मैं तो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। अच्छा। और मेरा अपना एक मैरिज होम है। अच्छा। मैं मैरिज होम चलाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे एक गाना शूट हो रहा था जी, जिसके डायरेक्टर थे सैम सीजे। अच्छा। वो किसी और का गाना था और मैं वहाँ बैठा हुआ था। ओके। तो मैं सब चीजें देख रहा था, तो मैं 2002 से और 2006 तक मैं नोएडा फिल्म सिटी में रहा हूँ। अच्छा। मारवा स्टूडियो, लक्ष्मी स्टूडियो। ओके। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे सीडी का दौर हुआ करता था, सीडी चला करती थी, सीडी का, तो पदम गुरन जी हैं जो चंदा कैसेट में आर्ट डायरेक्टर हैं, तो मैं उनके अंडर काम करता था। तो मैं शूटिंग के जो सेट होते हैं मैं उनको बनाया करता था। अच्छा, विनय ने शुरुआत जो करी है अपने एज ए आर्ट डायरेक्टर। बिल्कुल, इस इंडस्ट्री में। जी 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 जी। तो वहां से बस मेरे को फिर इवेंट कंपनियां मेरे को मिली, फिर मैंने उनके लिए सेट बनाए, फिर मैंने काफ़ी सारे सेट, कोई गानों के लिए, कोई वेडिंग के लिए, तो अलग अलग फंक्शनों के लिए मैंने वो सब सेट डिजाइन करे। तो उसी काम को देखते हुए फिर मैंने अपने एक मैरिज होम बनाया, जो मतलब कि मेरा अभी भी चल रहा है। अच्छा। तो उस मैरिज होम में मेरे यहाँ एक दिन शूट था गाने का, तो वहाँ पर डायरेक्टर थे सैम सीजे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं पूरा देखता रहा कि किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब उनको थोड़ा टाइम मिला तो वो मेरे ऑफिस में आके बैठे, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी वो मेरी। अच्छा। और सैम सीजे जो सर हैं उनकी मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, वहाँ बैठे थे हम। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मेरा तो ये मैरिज होम है। तो बस मेरे को यूँ लगा कि भाई जब ये बंदे कर रहे हैं सामने वाले, तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? अच्छा। मुझे कुछ ऐसा लगा कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो हालांकि मैंने बड़े बड़े जो स्टार हैं मैंने उनके लिए सेटअप लगाए हैं, जैसे मान लो नेहा कक्कड़ जी हैं, दिलेर मेहंदी जी हैं, मीका सिंह जी हैं, तो उनके लिए जो इवेंट्स होते हैं ना, जो सेटअप लगते हैं। अच्छा। वो मैं लगाया करता था, तो मैंने खुद अपने हाथ से उनको माइक दिए हैं। तो मैं ये कहता था कि मैं बॉलीवुड से यानी पहले से जुड़े रहेंगे ये लो जी। तो मैं ये सोचता था, मैंने कहा मैं भी गा सकता हूँ क्या? तो बस ऐसे ही मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था और वहां से मैंने लिखने की स्टार्टिंग करी। तो पहला ही मेरा सॉन्ग था भाभी ब्याह करवा दे। हाँ, भाभी ब्याह। हाँ, वो मेरा पहला सॉन्ग था भाभी ब्याह करवा दे। तो जो डायरेक्टर सैम सीजे हैं उन्होंने वो सॉन्ग मेरा डायरेक्ट किया था, और फिर उसके बाद बस बड़ा अच्छा लगा काम करके। ये गाना आपका जो अभी थोड़े टाइम पहले काफी अच्छा हिट रहा है जी, उस गाने के बारे में बताएंगे कि क्या उसकी वर्डिंग थी, कैसे आपने जी सर जी। मेरा गाना था, उसके बाद फिर मैंने गाना किया था सिस्टम हैंग जी। उस सॉन्ग में जो डायरेक्टर थे वो सैम सीजे ही थे, और फिर जो मैंने वो सॉन्ग किया तो मैं इसी लोकेशन पे था जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ। और उसमें जो हरियाणा की फेमस आर्टिस्ट हैं सोनिका सिंह जी मेरे साथ थी, वो मैंने ही गाया था, और वो रॉयल फैक्ट्री से आया था। सुनना चाहेंगे सर? हाँ जी। ये बड़ा सर मुझे सुन के भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है जी, कि एक आर्ट डायरेक्टर डायरेक्ट सिंगिंग में जी, सिंगिंग से एज ए हीरो सर, ऐसे ऐसे रूट चल रहा है। मेरे को ना सिंगिंग की तो खैर एबीसी कुछ नहीं पता थी। हाँ। और ना ही मैं लिखने का मेरे को कुछ वो था, बस ऐसे वर्ड जोड़ता चला गया, वो लाइनें बनती चली गई। हाँ जी। गाने की कोशिश करी तो बस अब थोड़ा बहुत गा लेता हूँ जी सर, लाइन हो जाए। तो जो मेरा गाना आया था, जो मेरा गाना फेमस हुआ था, वो गाना था अरे अरे मेरा होलिया सिस्टम हैंग, तेरे ते नैन लड़ा के मैं, तेरी बोली कोयल वर्गी, दिल मेरे ने घायल करगी। तो इस तरीके से था, अरे रे मेरा होलिया सिस्टम हैंग, तेरे ते नैन लड़ा के मैं, अरे रे मेरा होलिया सिस्टम हैंग, तेरे ते नैन लड़ा के मैं, तेरी बोली कोयल वरगी, दिल मेरे ने घायल करगी, तेरी बोली कोयल वरगी, दिल मेरे ने घायल करगी, मार दिया तने आज नजर के तीर चला के ने, अरे रे मेरा
अरे रे मेरा होलिया सिस्टम है तेरे तहने लड़ा कहने। बड़ा खूबसूरत रहा है। और जैसे आज हम जिस सेट पे आए हैं जी, जी, जी। तो आज का जो आपका सॉन्ग है वो सुन के हमने कई बार सुना है, शूटिंग पे आपको देख रहे हैं जी, आप एक्ट कर रहे हैं जी, जी। और उसके एक फेमस लड़की को आपने अपने साथ में को आर्टिस्ट बनाया है जी, सर। ये भी एक बड़ी चॉइस की बात है ठीक है ना। तो ये गाने की वर्डिंग और कैसे आपने हीरोइन का ये सिलेक्शन रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार किसी काम से हापुड़ गया था जी। तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है मोहित जी, उसने मुझे कहा कि भैया एक लड़की है बहुत फेमस हो रही है आजकल जी, और आप उससे एक बार मिल लो जब यहाँ पे आप आए हो। तो मेरे फ्रेंड हैं हरजीत दीवाना जी, जिनका बड़ा फेमस सॉन्ग है राजी बोल जा, और बल्कि हम दो तीन दिन पहले मिले भी थे हम साथ में, तो उस लड़की के बारे में वहाँ जिक्र भी हो रहा था, पर मैंने कहा पता नहीं कौन है वंशी का मौज जमाने में, हाँ मुझे पता नहीं था। फिर मुझे पता लगा कि वही है जिसने मौज जमाने में जो सॉन्ग किया था, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं मिलकर चलूँगा। तो मैं उसके पास में गया, मैं वहाँ पे मिला, उनके मम्मी पापा से मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ से मैं अपने घर आ गया। तो बीच में मेरी उनसे फिर फ़ोन पर बात होती रही, तो उनके मामा ने कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि वंशी का उसमें एक्ट करे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने गाना तैयार करा। जब मैंने वो गाना तैयार करा तो मुझे लगा कि ये वंशिका के लायक है। तो वंशिका जब मेरे घर पे आई तो मैंने वंशिका को वो सॉन्ग सुनाया, तो वंशिका को वो गाना बहुत अच्छा लगा। वंशिका ने कहा मुझसे कि सर इस सॉन्ग को मैं करूँगी। अच्छा, जब आपने ये गाना प्लान किया तो इस गाने को क्या इसके वर्डिंग रहे? हाँ, आपने क्या बनाया इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक हस्बैंड वाइफ की बहुत प्यारी सी थीम है जी। तो मैंने क्या था कि जो थीम है वो इस तरीके से है कि भाई जैसे मान लो नया जोड़ा होता है जी, और जब वो थोड़े कुछ टाइम के लिए जब बिछड़ता है तो उनमें किस तरीके से वो होती है। अच्छा, हाँ कि भाई थोड़े दिन के लिए तो मैंने ये जब गाना किया तो ये गाना मैंने आर्मी के लिए किया। अच्छा, हाँ मतलब फौजियों के लिए मैंने किया, डेडिकेटेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने फौजियों के लिए गाना किया कि जब वो लोग बेचारे मतलब ये कि जब जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए वो जाते हैं या वो ट्रेनिंग पे जब जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो किस तरीके से जब उनका बिछड़ना होता है कुछ टाइम के लिए तो मतलब जब तड़प होती है वो क्या होती है, तो ये सब चीज इसमें दिखाई गई है। या एक लाइन जरा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना सर इस तरीके से था कि फौजी को कॉल आती है और वो 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए वो जा रहा है, तो उसकी घरवाली उसको बोलती है कि क्या बात है बड़े खुश नजर आ रहे हो, तो वो कहता है कि अरे वाह बड़ी खुशी की तो बात ही है, मेरा फौज में सिलेक्शन हो गया है। तो इतना उसको खुशी भी है कि फौज में सिलेक्शन हो गया है, और थोड़ा सा उसको यूं भी है कि भाई अब ये 9 महीने के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे। तो फिर वो उसको मना रहा है, वो किस तरीके से मना रहा है वो सब चीजें इस सॉन्ग में है। तो ये सॉन्ग इस तरीके से है सर जी कि उसको मना रहा है अपनी वाइफ को, जब जा रहा है तो मैं किस तरीके से उसको मना के जाऊं, तो इस तरीके से है। वो कह रहा है उसको, अरे झुमके ल्या दूं कोका ल्या दूं, अरे झुमके ल्या दूं कोका ल्या दूं बिंदी सुरखी, ओहो सिल्की सिल्की दामन ल्या दूं और धोली कुर्ती, रगजवन नार 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 मेरी जान जान जान, रगजवन नार 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 मेरी जान जान जान। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है, सुन के ही काफी अच्छा लग रहा है। और बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर सॉन्ग के लिए, पूरी पूरी टीम लगी हुई है, और सब तो खैर ऑडियंस का प्यार है। हाँ। और जो हम सॉन्ग कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि शादी का सीजन है और डीजे पे धमाल मचाएगा गाना। तो वो था मारी जाटनी। मारी जाटनी, हाँ जी। तो वो गाना इस तरीके से था, रे मारी जाटनी लागे यारो महिमा चौधरी, रे मारी जाटनी लागे यारो महिमा चौधरी, रे काले सूट पर काली काली रखे ओढ़नी, रे काले सूट पर काली काली रखे ओढ़नी, रे नैन नसीले होठ रसीले छोरा की कमजोरी, रे मस्त जवानी वैरण देरी गाडन जोगी होरी, गाडन जोगी होरी। तो सर ये दूसरा सॉन्ग है, हमें तो ये दोनों गाने ऐसे लग रहे हैं कि जो सुपर हिट होंगे आपके सर, आप और छा जाओगे, ये साल एंड दिवाली के करीबी गाने आपके रिलीज होंगे,
तो हमारी भरपूर शुभकामनाएं है कि जैसे हम नेक्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ मिले तो एक बहुत सारी बधाइयों के साथ में एक नए कैरियर की ओर आपके रुझान देखने को मिले, जिसमें आपकी सिंगिंग के साथ में एज ए चमकते हुए हीरो। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर और इसी तरीके से अपना आशीर्वाद मुझे बनाए रखे हैं। ये तो प्यार है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और है मेरे पास जो हम आगे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू विनय भाई, आपसे मिलकर आनंद आ गया। थैंक यू, नमस्कार।